नमस्ते वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ मूड्स ऑफ भारत आज के जो हमारे गेस्ट हैं ही इज अ कॉलमनिस्ट मीडिया पर्सन एंड ही हैज हैंड्स ऑन नॉलेज ऑन पॉलिटिक्स भारत हिस्ट्री एंड एवरीथिंग अबाउट द नेशन लेट्स कैन डू अ कॉन्वर्सेशन विद युवराज पोखरना नमस्ते नमस्ते कैसे हो आप मजा एकदम ओके युवराज यूर यंगस्टर ओके एंड यूरोमिस्ट इन टू मीडिया बहुत कुछ है देश के बारे में जो आप जानते हैं एंड आई वुड लाइक माई ऑडियंस टू नो अबाउट इट बट टू स्टार्ट विथ इंडिया इज द यंगेस्ट डेमोक्रेसी भारत इज यंगेस्ट डेमोक्रेसी हाउ डू यू सी यूथ एंड पॉलिटिक्स अभी की बात करें इट इज आरोनिकल दैट इंडिया इज द यंगेस्ट डेमोक्रेसी येट द यूथ ऑफ इंडिया इज नॉट मच इन टू पॉलिटिक्स मैं आपको लेटेस्ट ले फ्लैश बैक फॉर फिफ्टीन ईयर्स में मेरी बात करता हूँ मैंने पापा को बोला पापा इलेक्शन क्या होता है बेटा ये वोटिंग करनी है गवर्नमेंट कौन चलेगा वोट करना पड़ेगा ओके किसको कर रहे हो पापा पापा ने कहा सो एंड सो पार्टी को कर रहा हूँ ठीक है मैं भी कर दूँगा इश्यूज छोड़ देते हैं पार्टीज छोड़ देते हैं मुझे ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट करती क्या है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या स्टेट हो गवर्नमेंट चलाती है आई वॉज कंप्लीटली ओब्लिवियन ऑफ दिस कंसेप्ट और मैं इसको एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ दिस वॉज नॉट जस्ट मी मैं काफ़ी जनरेशन से पिछले पंद्रह साल से देख रहा हूँ ठीक है आज मीडिया सोशल मीडिया है तो लोगों को पता है कि ये राहुल गांधी है ये अरविंद केजरीवाल है ये मोदी जी है ये ममता दीदी है लेकिन आज भी हमारा यूथ पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं है राइट right. वो क्लीशे किसी बिटी लाइनें आती है पॉलिटिक्स मतलब गंदी नाली है उसमें कौन उतरेगा शरीफ लोग थोड़ा पॉलिटिक्स करेंगे मुझे तो आई बनके आईएम आई का बनके बाहर जाना है पैसा कमाना है सो टू सम अप बीइंग द देंगेस्ट डेमोक्रेसी लेकिन हमारा जो यूथ है वो पॉलिटिक्स से बहुत बहुत डिसकनेक्टेड है बट जबकि आप देखो युवराज अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो भगत सिंह तेईस साल के थे फुल्ली इन पॉलिटिक्स सुभाष चंद्र बोस से सब लोग दे गॉड इन टू पॉलिटिक्स इसलिए देश हमारा आज़ाद हुआ एंड आज अगर मैं देखूं तो हैं, चलो इतने कोई आम आदमी पार्टी में भी यंगस्टर्स हैं दो बीजेपी में हैं इधर उधर बट पॉपुलेशन बहुत ही छोटी मतलब पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ही कम लोग हैं जो पॉलिटिक्स में तो ऐसा क्यों हो रहा है पर व्हाट व्हाट डू यू थिंक वेयर इज द यूथ हेडिंग एक्चुअली देखिए आपकी मेरी उम्र तो पचास सौ तो साल होती है लेकिन राष्ट्र की उम्र इज एज तो फ्रॉम इंडिया विद डेस्टिनी जो नेहरू जी की बड़ी फेमस स्पीच थी स्वतंत्रता के समय पर टू भारत है तब हमने ये सोचा था कि इंडिया की जो ट्रिस्ट है इंडिया शब्द पे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा मुझे भी है तो इंडिया का डेस्टिनी किस्मत के साथ एनकाउंटर के आज़ाद हो गए अब देखा जाएगा क्या होगा ये मानसिकता से, से लेकर भारत है ट्वेंटी फोर्टी सेवन मतलब हम अपने भारत भाग्य विधाता हम अपना भाग्य खुद बनाएंगे और ये पच्चीस सालों का टारगेट लेके आगे बढ़े अच्छा कल और आज में क्या अंतर मैं देखता हूँ तब जो आप देखेंगे सी की एज पी की एज एक सर्टेन अब माइंड था कि कोई सीएम है तो वो उसमें सिक्सटी प्लस सेवेंटी प्लस एटी प्लस आप देख लीजिए इतिहास उठा के जितने सीएम थे क्षमा चाहता हूँ बट एवरीबडी वॉज अ ब्लडी सीनियर सिटीजन और आज अगर आप देखो तो योगी आदित्यनाथ को देखिए अक्रॉस पार्टी लाइन में बात कर रहा हूँ आप केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी को देखिए आप हेमंत बिस्व शर्मा को देखिए गुजरात के सीएम को देख लीजिए वो शर्ट पैंट पहन पैं के भूलते हैं कुर्ता पजामा वाला व्यक्ति नहीं है वो तो भारत की पॉलिटी बदली है रिगार्डिंग यूथ ये मैंने उदाहरण क्यों दिया आज शर्ट पैंट पे सीएम आ चुके हैं अंडर फिफ्टी में सीएम आ चुके हैं तो मेरे को लगता है जब राष्ट्र की उम्र हम कहते हैं कि सदियों की होती है सालों की होती है वर्षों की होती है तो मुझे लगता है आने वाले एक या दो जनरेशन में हो सकता है सी हमको पैंतीस साल का भी मिलेगा क्योंकि आज सत्ताईस साल के युवा मैं तेजस्वी सूर्या का रेफरेंस दे रहा हूँ ट्वेंटी में इज़ अ एम मेरे गुजरात का जो होम मिनिस्टर है 27 में ही वॉज एम और थर्टी सेवन में आज वो व्यक्ति यंगेस्ट होम मिनिस्टर है हमारा और उनके पास सी के इक्वेलेंट दस पोर्टफोलियोज है सो so भारत की राजनीति बदल रही है आज हमारे युवा अनअफेक्टेड है लेकिन मुझे लगता है आने वाले एक दो जनरेशन में आपके मेरे उम्र के लोग मिनिस्टर्स बनेंगे केंद्र में दिल्ली में दिस इज द रोल ऑफ युवा फॉर मी मी सो दिस आल्सो रिमाइंड्स क्योंकि आपने बात करी युवा की और आगे आने वाले होंगे तो तमिलनाडु इज अबाउट टू विटनेस अ सुनामी Called Do you think कि वो तमिलनाडु के इतने पुराने जो एक पोलिटिकल सीनारी स्टैंड है जैसे था वैसा का वैसा चल रहा है कहा तमिलनाडु के लिए आई एज्यूम हमारा सारा जो ऑडियंस है यूथ होगा तो एक बहुत ब्रीफ एनकेटेड हिस्ट्री कोर्स मैं देना चाहूँगा उसका एडिक है कि कांग्रेस से डिसडेंटल अर्थात कांग्रेस से नाराज होकर पेरियार साहब निकले अब वहाँ भी आप देखेंगे जो द्रविडियन थियरी है जो पूरा बोल सकते कि नॉर्थ साउथ डिवाइड आर्यन द्रविडम थियरी उसका जेनेसिस है पेरियार साहब से लेकिन पेरियार के पीछे भी जो उनको चाबी देने वाली वो कांग्रेस है एनेकडोट देखते हैं नाइनटीन फिफ्टीन तक पेरियार कांग्रेस के लीडर थे कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने उनको लगा कि यहाँ सोपोर्ड नॉर्थ इंडियंस की या सो कॉल्ड ब्राह्मण्स की अब जो भी देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि अगर मुझे मेरे पसंद की चाय भी नहीं मिली ना तो अदिति की चाय अच्छी नहीं है अदिति आई विल कॉल हर नेम्स तो पेरियार यार वहाँ से नाराज़ होकर निकले नाइनटीन फोर्टी फोर में उन्होंने ये द्रविडर कजगम करके एक पार्टी बनाई द्रविडर कजगम उनसे फिर नाराज़ हो के वहाँ के जो सी एम रहे मैं नाम अभी कुछ देर में डिस्क्लोज कर रहा हूँ नाइनटीन फोर्टी नाइन में उन्होंने पार्टी बनाई गैस वो पार्टी कौन सी है करंट डे डीएम के और वो व्यक्ति जो जिन्होंने पार्टी बनाई एक फैक्शन बना पेरियार से पेरिया वो है CN अन्ना दुराई. Okay. उसी अन्ना दुराई की जो डीएम के पार्टी है उसमें साहब लगे एम जी रामाव एमजीआर साहब फिर टू में नाराज हो गए और उन्होंने एक पार्टी बनाई कौन सी पार्टी गैस करिए एम के तो ये जो भी है ना कांग्रेस ने बीच बोए और तब से कोई ना कोई फूफा कंटिन्यूस नाराज़ होता गया होता गया होता कर पार्टियां बनती गई और जो इनके फाउंडिंग फादर है आज तमिलनाडु में मोस्टली दो पार्टियां हैं डीएमके एंड एआईएडीएमके ये दोनों ने पब्लिकली कन्फ्रेस किया है कि हमारे फाउंडिंग फादर हमारे आइडियोलॉजिकल पेरेंट हमारे प्रो कौन है सी एन अन्ना दुराई जो कि तमिलनाडु स्टेट के पहले सीएम थे और उन्होंने बकौल सी एम ये बयान दिया है कि वी आर कम्युनिस्ट पार्टी मेरे जितने भी ऑफशूट्स होंगे अर्थात डीएमके के या ए आई डी एम के सारे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से होंगे तो उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफिकेशन दे दी अच्छा यहाँ से द्रविडियन थियरी निकली लेकिन अगर मेरी जो थ्योरी है मेरा जो बिलीफ है मैं उसके भी रूट्स मैंने आपको बता दिए कांग्रेस से ड्रेस कर रहा हूँ जी सो इनकी कोई आइडियोलॉजिकल प्रोपेंसिटी नहीं है ये

क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो बोलती है कि तुमको कुछ काम धंधा नहीं करना है पड़े रहो वी एज द स्टेट विल प्रोवाइड फॉर यू ठीक है कोई कॉम्पिटिशन नहीं खाओ पियो जलसा करो दूसरी कैपिटलिज्म है जो एंडोर्स करती है कि देर शुड भी हेल्दी कॉम्पिटिशन क्योंकि आपका मेरा कॉम्पिटिशन होगा तो हमारे बीच में कोई ग्रोथ आएगा आपका ग्रोथ होगा मेरा ग्रोथ होगा एंड वी विल अटेन प्रॉस्पेरिटी एंड उसमें स्काईज द लिमिट तो ये दोनों एकदम पोल्स अपार्ट है और इन्होंने सिर्फ लोगों को अपीस करना था द्रविडियन के नाम पे कि ये ब्राह्मण है ये ब्राह्मण बुरे होते हैं ये गंदे होते हैं ये आप रिग्रेसिव हैं ये अपने आप को बुरा मानते हैं हम काले होते हैं ये बिना सरपाओं की बातें करके इन्होंने तमिलनाडु को उलझा के फंसा के रखा एंड अभी करंट मूविंग टू द करेंट टाइम्स अब एक जवान स्मार्ट सा बंदा आया सवा छः फुट की हाइट है आई से पढ़ा आई से पढ़ा आई बना और वो आके बात कर रहा है कि लेटस डू अवे विद सच डिविजिव आइडियोलॉजी वो बीजेपी का झंडा लेके आया है हाँ। एंड आइडियोलॉजी का है काला गोरा हिंदू मुस्लिम सारे लोग हमारे हैं सारा भारत एक है वो आइडियोलॉजी को लेके आए अच्छा चूंकि वो यंग है तो उनसे बच्चा बुजुर्ग युवा सबको जुड़े हुए हैं तो उनका जो एक अपील है आपका भी वर्ड को काट के मैं वो बोलना चाहूंगा उनको सो so, उस व्यक्ति की जो अपील है वो जहां से जाते हैं लोग उनसे पागलों की तरह जुड़ जाते हैं और फ्रेंकली बीजेपी वॉज इन तमिलनाडु बीजेपी के पास कोई स्टेक होल्डर बीजेपी स्टेक होल्डर ही नहीं था hmm. बीजेपी हमेशा जूनियर अलायंस बी टीम बन के रहता था एंड दीज आर हार्ड ग्राउंड फैक्स जैसे ही अन्ना मलाई आ गए अब बीजेपी फ्रंट सीट पे आ रही है बीजेपी की आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंच रही है अन्ना मलाई का अपील है और बीजेपी के पास जो फेस मिसिंग था

बिकॉज ऑनेस्टली uh, जैसे आपने कहा कि पता नहीं बीजेपी आएगी या नहीं आई इट्स नॉट अबाउट बीजेपी पर जो इतने सालों से वो ही इंद्रावेडियवेड इंद्रावेडिय ने चला रखा था एटलीस्ट वो कहीं तो टूटना चाहिए कहीं तो तमिलनाडु को भी कुछ फ्रेश कुछ नया मिलना चाहिए दिस वॉट इवन आई फील ओके सो राधा थिंक दई वो अंडरस्टैंड फ्राम यू इज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कोई भी डिक्लेय रिलीजन नहीं देता है लाइक देर इज़ नो की एक सनातन देश है या या एक देश है है या एक हिंदू ऐसा कुछ नहीं है सेक्युलर देश है, आ, जो की है में, तो माइनॉरिटीज तो कैसे आ गई और वो भी हमारे देश में इतना ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो गया माइनॉरिटीज में हाउ डू यू सी दैट एंटायर थिंग अरे बाप आपने इतना सारा एक साथ शूट कर दिया

फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जब हम लोग आपके मेरे फोर फादर्स इमरजेंसी में जेल जा रहे थे मार खा रहे थे घर में छुप के बैठे थे या डिजवाइस लेके समाज सेवा कर रहे थे लड़ रहे थे उस टाइम इन्होंने सेकुलर वर्ड घुसेड़ दिया सोशलिस्ट वर्ड घुसेड़ दिया ये दो वर्ड को अपेंड किया मुझे उससे तकलीफ नहीं है लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट वे एलियन टू तो इंडियंस ये भारतीय कन्सेप्ट नहीं है सोशलिज्म क्यों क्योंकि काफी सारी थियोरीज है थे, कहा जाता है कि बड़ी स्पाइंग वर्ल्ड में एक बड़ी बात है कि सुटकेस से सुटकेस भर के पैसा आता था इंदिरा जी को राजीव जी को तो यूएसएसआर से पैसा आता था वहां का इन्फ्लुएंस था डाल दिया सोशलिस्ट आपने okay. इंदिरा जी मुझे लगता है कि बहुत महान प्रधानमंत्री रही है बट आई कैन नॉट डाउट द ऑथेंटिसिटी और दूनियोसिटी ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया उन लोगों को कहा गया था संविधान सभा की बैठक में कि सोशलिज्म सेक्युलरिज्म नहीं डालना है उनको एक डर था वो डर इंदिरा जी ने पूरा कर दिया और वो सही साबित हो रहा है tell you. So, उन्होंने सेक्युलर डाल तो दिया आपने शब्द का उपयोग किया माइनॉरिटीज़ आप गूगल पे कर, चेक करिए किसी लॉयर को पूछिए टिल नाउ माइनॉरिटी शब्द की डेफिनेशन संविधान में नहीं है दैट इज फॉर स्टार्ट बहुत लोगों ने पीआई के प्लीज डिफाइन माइनॉरिटी तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल के मिड नाइट हयरिंग देती है टेररिस्ट लोगों के लिए लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज मम कोई डेफिनेशन आ नहीं रही है अच्छा अब क्या होता है तो स्टेट अपनी नीन लेती है कि गुजरात के गुजराती लोग बॉम्बे में प्रबुद्ध हैं तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया ओके कि अब कोई माइनॉरिटी फला फला इंस्टीट्यूट है जो बहुत फेमस है तो चलो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई अच्छा अब ये हो गया कि जैसे पंजाब की बात करें पंजाब में फला फला कम्युनिटी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई लेकिन संविधान में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है ओके okay. ये एक माइनॉरिटी को हम पहले समझ लेते हैं इफ आई टू गो ऑन टेक्निकलिटीज तो मैं भी मैं मैं भी माइनॉरिटी जैन हूँ right. माइनॉरिटी हो गया ना फिर तो right. लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपीजमेंट के चलते तुष्टिकरण के चलते सारा होता गया

और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में थर्टी सिक्स परसेंट लोन मिले हैं उस तथाकथित माइनॉरिटी को जो फोर्टीन परसेंट है और एक बड़ी स्पेशल स्कीम है पीएम शादी शगुन योजना एक मुस्लिम बेटी ग्रेजुएट होती है और फिर शादी करती है उसको फिफ्टी थाउजेंड ब्लैंकेट मिल जाएगा योजना का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको अंडर ग्रेजुएशन में या पढ़ाई छोड़ के शादी नहीं करें आपके माता पिता आप पढ़ लिख के ग्रेजुएट होकर आत्मनिर्भर बन के शादी करें निकाह करें तो फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगा ये स्टेट स्पॉन्सल डिस्टिंक्शन है एज पर मी राइट अगर मैं भी गुरबत में जी रहा हूँ और मेरी बेटी है चूंकि वो फला फला माइनॉरिटी से नहीं आ रही आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो तो दिस इज नथिंग बट अप द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स करती आई हैं करती आई हैं करती आई हैं बीजेपी से भी मेरी कुछ शिकायतें हैं बट एट द एंड बीजेपी जो ट्राई कर रही है वो वॉट आई पर्सनली फील इज़ ये के लिए कर रही है ऑडियंस right. so कि totally totally so uh, हम बीजेपी जो है वो एक एंटी मुस्लिम पार्टी है आई थिंक क्लियर फैक्ट्स क्लियर डेटा दे दिया है अभी युवराज ने आप सबके लिए सो यू शुड थिंक अबाउट इट वंस कि एग्जैक्टली बीजेपी जो कहती है सबका साथ सबका विकास वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसी हो गया जिसकी से काफी सारी चीजें अस्थिर रहती है इसमें ऐसा ना जो अपीजमेंट चलती आई है एक घर का उदाहरण देता हूँ एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा छोटा बेटा लाडला होता है उसके लिए सात पुन माफ करेक्ट सो दैट इज द से मुस्लिम एंड इस्लाम इन इंडिया में साल पुराना की है, तो ये बड़ा उस जगह को गोद ले लिया आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है रेलवे और इंडियन डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है कुछ तो वर्षो पहले आया जिसका वर्क बोर्ड बना नाइनटीन आई थिंक सेवेंटीज एटीज में okay. हर चीज़ आप अपनी क्लेम कर ले रहे हो और यू आर यू आर बीन गिवन अ फ्री रन इन दिस कंट्री क्योंकि अपीजमेंट है तुष्टिकरण है mm -hmm. खुश रखना है वोट मांगना है एंड अब मैं आता हूँ रेडिकलाइजेशन पे क्या होता है कि मैं आपसे मांग करूंगा कुछ जायज़ होगी कुछ नाजायज़ होगी लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग मी अ फ्री रन वॉट आई एल डू इज आई एल बी रनिंग रफ शॉट आम भाषा में जो मन मै करूँगा ये भी मेरा वो भी मेरा सब मेरा तो ये जो एक सेंटिमेंट है मुस्लिम कम्युनिटी में ये घर बसा जा चुका है कि वर्क वोट भी मेरा होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप बैक के थ्रू भी सब मतलब मैं ही ले लूँगा मेरा ही होगा और उनको सक्सेसिवली इतना अपीस किया गया इतना अपीस किया गया एक बड़ा मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे देता हूँ मेरे साथ में नुपुर शर्मा जो बीजेपी की फॉलोअर स्पोक्स उनका भी ले लेता हूँ एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने कुछ मैंने कुछ बोल दिया इट मे पीक और ऑफेंड सम मुस्लिम्स ठीक है बस आईपीसी है आईपीसी के तहत जाइए पुलिस केस कर दीजिए लेकिन आप ये बोल रहे हो सर से जुदा अब वो ये रहा है कि इसमें पूरा स्टेट मिला हुआ है क्यों पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही क्यों पुलिस को मुझे सिक्योरिटी देने पड़ रही मेरे साथ ही हुआ है मैंने उदयपुर में कन्यालाल तेली की जो वीडियो पर लाइव हत्या की गई उसके खिलाफ अगले दिन आवाज उठाई किसी कम्युनिटी समुदाय का नाम लिया नहीं और मैंने इतनी भारी भरगम अंग्रेजी में लिखा कि उस समुदाय विशेष के लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे उसके बाद इंस्टाग्राम कमेंट में मुझे खुली थ्रेट आई गुस्ता के नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा अब पुलिस को मुझे प्रोटेक्शन गनमैन देना पड़ा दैट इज फाइन पुलिस सब अपना काम किया लेकिन आई वी लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक और शजद स्टेट के एक इंस्टाग्राम कमेंट पे कोई सर तन से जुदा की बात कर रहा है और उसको इतना सीरियस लिया जा रहा है कि पुलिस स्टेट मुझे सिक्योरिटी दे रहा है और उसके बाद मुझे लोग कहते क्यों ऐसा कमेंट करते हो आपने गलती की होगी आपने उनको ऑफेंड क्यों किया ठीक है बस मैंने ऑफेंड कर दिया होगा जाने अनजाने में सर सरकार है संविधान है कानून है पुलिस स्टेशन है नायब प्रक्रिया बनी हुई है सीधा सर्तल से जुदा कर दोगे एग्जैक्टली फैक्ट नुपुर शर्मा की बात ले लीजिए नूपुर बहन को छुप के घर में रहना पड़ रहा है उनकी पब्लिक लाइफ जीरो हो चुकी है तो हमको जब पता है कि एक कम्युनिटी इतनी रेडिकलाइज है क्यों है कुछ चीज़ें कुछ उनके ओली बुक्स में लिखी होगी लेकिन फिर कॉन्ट्रोवर्सी होगी मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा नहीं तो मैं चैप्टर पैरा कोट कर सकता हूँ मेरे पास होमवर्क है चैप्टर पैरा कोट कर दूंगा यह मैं नहीं कह रहा एक मुस्लिम स्कॉलर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी देर आर ट्वेंटी सिक्स वर्सेज जो कि कॉन्ट्रवर्सियल हैं okay. जो भेदभाव करती है द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन टू पीपल मूनिवर्स एंड काफिर्स मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो स्कूल स्कॉलर का विषय है लेकिन जो तो डिस्टिंगशन होता है ना वो क्या बोल रही भी नहीं लेकिन क्यों होना चाहिए? जब हम सर्वे तो बोलते वासुदेव बोलते हैं हैं वासुदेव ये हमारा है that, that, uh, this is the main difference. भारत ने विचार दिया है आइडिया और इब्राह्मिक रिलीजन ने विचारधारा दी इज द मेन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी विचार क्या होता है ना ऑल इनकम मैंने विचार भारत का विचार मैंने रखने का प्रयास किया अभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सर्वे बहुत तो सुखी या जो मोदी जी ने सरकार ने प्रेसिद किया है वासुदेव कुटुम कम ये विचार है अब इस विचार के चलते आपका कैमरामैन हो आप हो या इस स्टूडियो के नीचे का वॉचमैन हो मैं सबको अपना मानता हूँ विचारधारा क्या करती है विचारधारा कंपार्ट कंपार्टमेंटलाइज कर देगी कि ये फला फला कपड़े पहनने वाला फला फला टाइम प्रेयर करने वाला फला फला शब्द बोलने वाला ही मेरा है और ये मेरे नहीं है right. so, ये रेडिकलाइजेशन तो जेनेसिस उसका उस बुक से है लेकिन सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट ने इनको पैम्पर करके कैरास कर करके इन्हें जिद्दी बना दिया है Correct. और वो जो जिद है ना वो सेकुलरिज्म नहीं है उसको मैं मानता हूँ माइनॉरिटिज्म है वो इतना तुष्टिकरण इतना तुष्टिकरण अब ये देखें कि शाहबानों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है अब ये बात आ गई तो मुस्लिम मौलाना ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुरा लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मजहबी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती यू आर सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट फॉर द कमिंग मुस्लिम्स तो उन्होंने राजीव गांधी जी को जो आमपृष्ट किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को राजीव गांधी जी ने शाहबानों के टाइम ओवरटर्न कर दिया ओवरटर्न अर्थात सिंपल भाषा में जीरो नलीफाई कर दिया तो ये तुष्टिकरण है कुछ भी संसद से फैसला आएगा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा लास्ट में इस्लामिस्ट को मौलानाओं को मुल्ला को एक वीटो दिया है दैट इज रेडिकलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट हो हो संविधान जो भी हो यह हमारा लोकतांत्रिक ढांचा अच्छा है लेकिन आपने मैसेज क्या दिया कांग्रेस ने क्या दिया कि तुम संविधान के ऊपर तो हो करेक्ट ये बात हो संविधान के सुप्रीम कोर्ट का ऊपर हो देखो संविधान से लोकतांत्रिक ढांचे जो देश चलता है उसमें न्याय अपने प्रणाली भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम एंड वी द पीपल अर्थात आप और मैं सरकार को चुनते हैं सरकार हो गई नौकरशाही हो गई ब्यूरोसी न्याय प्रणाली हो गई सबके ऊपर मुसलमानों को डाल दिया तो इतना अंधी पावर इतना वीटो आपने कम्युनिटी को दे दिया तो मुझे लगता है इट इज बट ऑब्वियस जिद्दी तो बनेंगे क्योंकि आप मीडिया से हैं सो आई वुड

मतलब एक जर्नलिस्ट न्यूज़ रूम से बैठ कर डिसाइड करता था कि ये आदमी को ये पोर्टफोलियो देंगे इसको ये मिनिस्ट्री मिलेगी एंड इट्स ऑल पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड तो आप ये देखो वे यू टेकिंग द इंडियन डेमोक्रेसी फॉर अ टॉस एक पत्रकार डिसाइड कर रहे हैं किसको क्या मंत्रालय मिलेगा और डेमोक्रेसी एक कंसेप्ट जो हम समझते हैं कि मैं ज़मीन से लोगों से जुड़ा हूँ मैं लड़के नेता बनता हूँ और मेरी पॉपुलरिटी मेरी स्ट्रेंथ देख के मुझे मिनिस्टर बनाया जाता है और एक पत्रकार डिसाइड कर रहा है कि किसको कितनी दलाली देखें किसको मंत्रालय देंगे ये हो गई एक बात दूसरा यही बरकदत की अगर मैं बात करूं बरखा जी का मैं पर्सनली एडमायर हूं उनके जर्नलिज्म का उनके एजेंडा का इन्हीं की बात करें तो नॉट मच लॉन्ग अगो बॉम्बे में जो टे, टेरिस्ट अटैक हुआ था ये लाइव फिट दे रही है सब लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं कारगिल के वोमैन ये लाइव फिट दे रही पाकिस्तान को तो ये लोग जो काम करते थे वो बहुत अच्छी पत्रकारिता थी आज की अगर मैं बात करता हूँ तो करण थापर वेटरन जर्नलिस्ट हैं वो बोला जाता है कि वो एक डायमंड स्पून में पैदा हुआ है सिल्वर वोर्ड भी नहीं डायमंड वो आदमी हिंदी नहीं बोल पाता इतने अच्छे अंग्रेजी बोलता है फराटेदार वो व्यक्ति अपनी बुक में लिखता है कि देर वॉज अ टाइम आई हैड अ फ्री रन इन द पी एम कभी भी आओ कभी भी जाओ कोई पूछने वाला नहीं था उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में और आज नो बडी इन पी एम ओ रिस्पॉन्स टू माई कॉल मुझे कोई पूछता नहीं है मेरा एग्जिस्टेंस जीरो हो चुका है राइट दे वॉज दैट टाइम जब इन लोगों को जाना होता था फॉरन घूमने ये पी एम ओ को कॉल करते थे और बिजनेस क्लास के टिकटें इनको फ्री में मिला मिल जाती थी टिकट आ जाती थी कि आपकी टिकट है आप जाओ तो ये लोग देश को चला रहे थे लोकतंत्र तो 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 आपका साइड में रखो मिनिस्ट्री साइड में रखो इतना इनका फ्री रन था फ्री प्रैसेज था अब क्या हो गया फ्री रन से हटा के इनको फ्री एलिज में डाल दिया अब ये घर में जाके बैठ रहे इनको कोई पूछ नहीं रहा है अब लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है आज के देश में एंकर यदि चाहता है तो वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकता है वो कांग्रेस का क्रिटिक कर सकता है वो इंडिया अलायंस का कर सकता है वो एन डी अलायंस का कर सकता है आज जर्नलिस्ट खुल के बाहर आ रहा है अपना ओपिनियन दे रहा है मुझे किसी एंगल से इनका गोदी मीडिया का चार्ज आज तक समझ नहीं पड़ा गले से उतरा नहीं जब उस जमाने में दूरदर्शन पे एंकर सैमा सैमा आज के ताज़ा खबर आज की ताज़ा समाचार ऐसे रीड करता था और आज एक जर्नलिस्ट ओपिनियडेड होके फैक्ट्स के साथ अपना ओपिनियन रख रहा है तो तब फ्रीडम ज़्यादा थी आज फ्रीडम ज़्यादा है Correct. और रिगार्डिंग पावर uh, तो पावर जो है पावर अबॉर्ड्स मीडिया एंड मीडिया अबॉर्ड्स पावर एक जनरल इंटरनेशनल परसेप्शन है तो इस हमाम में सभी डैश हैं हर सरकार हर सत्ता अपने प्रतिकूल पत्रकारों को जेल में डालने का डराने का प्रयास करती है लेकिन अगर आप या आपके व्यूवर्स इसका डेटा निकाल लें ना

ज़मीन से लेकर पानी से लेकर आवाज़ से लेकर पाताल तक इन्होंने घोटाले कर रखे हैं और जब जी ट्वेंटी देश में हुआ तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था उसी तरह 2010 में कॉमनवेल्थ जब था पूरा विश्व भारत में आया था सबकी निगाहें भारत पे थी ये पैसा बनाने में लगे हुए थे इतना पौभांड इन्होंने कर रखा है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं मीटर क्रॉस हो जाता है अब ये लोगों ने अलायंस बनाया है बड़ा फैंसी अलायंस है डॉटेड इंडिया अलायंस इनको ये लगा कि इंडिया नाम देंगे तो कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा इंडिया 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 तो इनकी क्लैरिटी आप देखें तुम्हारी यात्रा का नाम तो तुमने रखा भारत जोड़ो वो अलग बात है तो इतने सारे डॉट है जब इनको दिल्ली में केजरीवाल जी को ऑर्डिनेंस लाना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले उस टाइम तो सब एक साथ थे चार दिन पहले की बात है केजरीवाल जी की मान साहब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को जेल करा दी क्यों करा दी भाई साहब ने इतना एक बयान दे दिया कि राघव चड्डा तो आम आदमी है उसकी तो सालाना इनकम ढाई लाख है तो कहा से दस लाख रुपए का अफोर्ड कर पा रहा है इतना क्या बोल दिया लोकतांत्रिक सरकार ने डेमोक्रेटिक सरकार ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े पक्षधर ने आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार ने उस सिटिंग एमएलए को जेल में डाल दिया oh ये इनका लयंस है अच्छा इस अलायंस में ममता दीदी वेस्ट बंगाल के साथ में है ये अलग बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी बकोल अधीर रंजन चौधरी बकौल एल उन्होंने बोला हुआ है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसीड इन बंगाल और वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है सो वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है टीएमसी दीदी की सरकार ये कर रही है ये आक्षेप बीजेपी और उन्होंने नहीं लगाया ये कांग्रेस के लीडर लगा रहे हैं लेकिन नेशनल नियम का अलायंस है बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं साथ में नहीं सामने लड़ रहे हैं लेकिन केरला में साथ में सरकार चला रहे हैं लेकिन ये इनका अलायंस है सो so, यहाँ पे एक अंग्रेजी में कहूँ ना तो इट इज़ अ मोटली कांग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज मतलब रंग बिरंगी अतरंगी लोगों की एक है को इनका कोएलिशन बोल लो कांग्रीगेशन बोल लो जवावड़ा बोल लो और इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है केवल एक चीज़ है जो सबको जोड़ के रखता है मोदी बगाओ मोदी हटाओ तो ये दिस इज द इंडिया अलायंस फॉर यू राइट वाइट मुझे जमावड़ा वर्ड बहुत ही सही लगा आपका क्योंकि एक्चुअली हर दूसरे दिन यही आता है कहीं पे कांग्रेस और उनके अलायंस ने कुछ और कर दिया कहीं कुछ कर एंड देन लोगों को दिखाने के लिए वो इंडिया तो के आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को एक ट्वीट के लिए एक पब्लिक स्टेटमेंट के लिए जेल कराती है और जब वो हल्ला मच जाता है तो केजरीवाल साहब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारा कमिटमेंट है डॉटेड इंडिया अलायंस के लिए

क्या ये सही है गलत है या आर एस एस एंड बीजेपी को आप कैसे देखते हैं दोनों को चूंकि मैं गुजरात से आया हूँ हिंदुत्व हिंदुत्व की प्रयोगशाला एंड राइट मैंने जितना संघ को हिंदुत्व की बात क्यों की मैंने क्योंकि मैंने ग्राउंड पे आर एस एस और बीजेपी वालों को काम करता देखा है कोरोना में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है उसके पहले भी काम किया है मैंने course, सामाजिक तौर पर पोलिटिकल तौर पर नहीं वट आर सीन इज यदि एक वार्ड में मैं बोलू तो आर एस एस टू मी इज एन आइडिया आर एस एस एक आइडिया है अब ये आइडिया राष्ट्रवाद सिखाता है अब इस आइडिया ने कुछ संघ के कार्यकर्ताओं को स्वयं से को कंपेयर किया कि हमको पॉलिटिकल इंफ्लुएंस और पॉलिटिकल स्मेयर में जाना है राष्ट्रवाद और हिंदू समाज के विषयों को लेके तो बीजेपी भी बन गई इस आइडिया से जर्मिनेट हुआ कि जितने प्रोफेशनल पढ़े लिखे हिंदू हैं उनको यूनाइट करना है तो वी भी बन गई Okay. अब ये चीज पर ध्यान दीजिएगा का, का एक wing है बजरंग दल और उस वीएचपी का स्टूडेंट विंग है ABVP. Right. लेकिन आज भी 85% if not more, but 85% media ये रिपोर्ट करता है बीजेपी ऑटोनोमस बॉडी इनका कोई कनेक्ट नहीं है okay. इनका फाउंडिंग आइडिया संघ से आता है okay. लेकिन लोगों में इतनी भ्रांतियां हैं एज ए सेट आर आइडिया तो आइडिया को यू हैव टू लिव एन आइडिया आपका आइडिया मैं समझ नहीं पाऊंगा मुझे उसको जीना पड़ेगा उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा तो संघ को जानना है संघ में आना है ये मोहन भागवत जी ने जो अभी सत्संग चालक है आम भाषा में आरएसएस एस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था तो लोग आरएसएस को समझ नहीं पाते हैं और इंडिया की हालत है तो कैन यू इमेजिन ओवरसीज या वेस्ट में क्या होगा जो ऑलरेडी बायस लेके बैठे हैं प्री कंसिव रोशन लेके बैठे कि कहीं कुछ हुआ लिंचिंग हुई अरे कोई बात नहीं कौन बनने वाला है अरे तो मोहम्मद इस्लाम अरे मोहम्मद इस्लाम है हेडलाइन बना दी हिंदुत्व तो फासिस्ट विंग पॉलिटिकल विंग आर उनको समझ ही नहीं है जब भारत के लोग नहीं समझ पा रहे तो वो कैसे समझेंगे तो आर के आइडिया से प्रेरित होकर बीजेपी बना है अब प्रेरित होके मैंने कहा उनका डायरेक्ट एफिलियेशन मैं नहीं देखता और उसके बाद लोग आक्षेप लगाते आर एस एस पोलिटिकल विंग है आर पॉलिटिकल है आर आपके ऑडियंस के लिए बता दू आर भले विश्व का सबसे बड़ा संगठन है पर आप भी जानते होंगे इट इज नॉट ऑफिशियली रजिस्टर्ड आईडिया रजिस्टर्ड कैसे होगा तो विचार है उस विचार से प्रेरित होकर बीजेपी रजिस्टर्ड है भारतीय मजदूर संघ रजिस्टर्ड है वी रजिस्टर्ड है और अन्य कई सेक्यूलर संगठन रजिस्टर्ड है आर एक विचार है अब बीजेपी कुछ भी करता है तो आर प्रयास करता है कि भाई हम कार्यकर्ताओं को जैसे आपने कहा पी डी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर उनको राजनीतिक क्षेत्र में भेजेंगे

अभी करंट सिनेरियो में जैसे कहा जाता था कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है पर आज हमें पता चल रहा है कि जो पहले की मीडिया थी उसने नहीं किया है ऐसा जैसा कि आपने अभी डिटेल में बताया सारे ऑडियंसेस के लिए आज मीडिया का स्टैंड आपको क्या लगता है और क्या हम देखेंगे कि वापस मीडिया वाप, जो एक्चुअली उसका काम है उस पर आएगी कि भाई न्यूज़ बताना अपने बायसेस नहीं बताना वो वाली चीज़ मीडिया uh, को फ्रैंकली मैंने कभी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं माना है okay. क्योंकि वेदर इट इज बीबीसी और दूरदर्शन दूर स्टेट स्पॉन्सर्ड है कम्स टू प्राइवेट मीडिया तो स्पॉन्सर्डम जो कांड थे उनके कारण थे मैंने आपको बताया आज ऐसा नहीं हो रहा मैं पूरी अथॉरिटी से आपको बोल रहा हूँ आज ऐसा नहीं होता एक न्यूज रूम में बैठ के एडिटर डिसाइड नहीं करता कौन मंत्री बनेगा राइट right. लेकिन फिर भी मीडिया में एक एक इन नेचर होता है प्रकृति और प्रवृत्ति हर मानव की हर संगठन की हर संस्था की होती है तो मीडिया में एक चीज हमेशा थी जो आज भी है क्या दिखाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या नहीं दिखाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और दूसरा मीडिया अपना काम कर रही है क्योंकि उसको इतना पता है कि आज केस नए ठोकेंगे हमारे ऊपर लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया मीडिया चलाने के लिए सेटअप के लिए पैसा चाहिए पैसा स्पॉन्सर्स देते हैं और स्पॉन्सर्स की पॉलिटिकल एफिनेशन या अलाइनमेंट होती है अब अगर स्टेट उसको स्पॉन्सर करेगा मीडिया को तो दूरदर्शन बन जाएगा प्राइवेटली वो चल रहा है तो वो सरकार की ना सुन के अपने स्पॉन्सर्स की सुनता है हो सकता है स्पॉन्सर्स कोई पार्टी से एफिलेटेड हो या लाइन हो तो मीडिया के लिए ये भाव तो हमेशा रहेगा ही और यदि मीडिया को हंड्रेड परसेंट इंडिपेंडेंट होना है तो उन्हें क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी और एक कॉपोरेट लेवल पर क्राउड फंडिंग या कॉपोरेट बैकिंग करना वाइबल और पॉसिबल नहीं होता ये सारी प्रॉब्लम्स मीडिया को हमेशा थी है और रहेंगी और मैं कभी फोर्थ पिलर नहीं मानता था ना मानता हूँ ना आगे भी मानूंगा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है उसका कहीं ना कहीं कोई कोई भी गवर्नमेंट अक्रॉस पार्टी लाइंस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर हो ना हो लेकिन हो सकता है कि मैं अगर जर्नलिस्ट हूं तो मैं तो चाहूंगा कि मुझे पेट्रोलेज मिले तो वो पेट्रोलेज लेने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड मीडिया चलती है लोगों से लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन लोग पेट्रोलेज चाहेंगे हो सकता है पीएम ओ पत्रकारों को एंटरटेन ना करें लेकिन पत्रकार तो चाहेंगे कि चक्कर मारे वहाँ पर साहब का हमको फेवर मिले तो ये तो हमेशा रहेगा लेकिन द बेस्ट पार्टीज मैं हमेशा ओटोपिक तो नहीं हो ऑप्टेमिस्टिक वैन मिस पार्टीज कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है ना कि देर आर चेक्स एंड बैलेंसेज यदि मीडिया गलत जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाएगी सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट में फैलसी होगी तो उसको सरकार ओवरटर्न कर सकती है और सरकार की कई पॉलिसी में प्रॉब्लम आती है तो ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं उनको अंदर से तपेट लगाती है कि सर ये चीज़ गलत होगी और ब्यूरोक्रेसी अगर करप्शन करती है तो उसके ऊपर लीडर्स चुने हुए बैठे हैं सरकार के हमारे नुमाइंदे तो ये चेक्स एंड बैलेंस का पूरा मैकेनिज्म है हमारे पास डू सी कि कहीं पे सोशल मीडिया थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है जैसे कहना चाहिए कि नॉट एट पार डेफिनेटली पर अपना एक uh, मीडिया के साथ में पैरेलली चलना क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे पेजेस देखते हैं बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स देखते हैं जो अपना एक जर्नलिज्म चलाते हैं दे ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ और वो दिखाने की कोशिश करते हैं पर सोशल मीडिया को आप कैसे देख रहे हो अभी इस पूरे मीडिया के सिनेरियो में सोशल मीडिया जो है ना मैं उसको थोड़ा सा और मैक्रो लेवल पे देखता हूँ तो आई क्लासीफाई दैम डिजिटल मीडिया उस डिजिटल मीडिया में वन पार्ट इज सोशल मीडिया वन पार्ट इज यूट्यूब जिसमें आप और हमारा पॉडकास्ट भी आता है एंड वन पार्ट इज़ जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया ख़ुद भी हो के होकर हो के अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए टेल मी वन थिंग अगर लोग फला फला चैनल को टी वी देख रहे हैं तो उनको मेरे मोबाइल पर आने की क्या जरूरत है ऐप के थ्रू उनको यूट्यूब पर आने की क्या ज़रूरत है सो सोशल मीडिया को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं देखता हूँ डिजिटल मीडिया के फॉर्म में और ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो आया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सो आज ये हो गया ना कि पहले मेरे पास एक प्रेस का कार्ड होता था एक कैमरा सेटअप और आप जैसी सुंदर टीम होती थी तो मैं अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाता था लोक कर पाते थे तू तो पत्रकार मोदे पत्रकार मोदे अब क्या हो गया ना इस सीधा मैंने यहाँ पे शुरू किया मैं अभी की बात बता रहा हूँ मैं स्टेशन पे था कुछ गंदगी थी फटाक से फ़ोटो लिया रेल मदद ऐप में डाल दिया और सरकारी अधिकारी का फ़ोन आ गया और उन्होंने क्लीन करके मुझे फ़ोन भी कर दिया कि सर वो साफ़ हो चुका है सो so, ये जो सिटीज़न अवेयरनेस सिटीज़न विजिलेंस और सिटीज़न एम्पावरमेंट ये तीन चीज़ें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से आई है आज ये है कि बहुत सारे मेन स्ट्रीन मीडिया हाउस चूँकि डिजिटल रेस में आ गए तो नोएडा में बैठ के एक स्टूडियो से यहाँ वहाँ से उठाकर डाल देते हैं लेकिन सूरत स्टेशन पे खड़ा हुआ है कि युवराज ने फोटो डाल दिया वीडियो डाल दिया हो सकता है वायरल हो जाए बिहार के गया में से एक लड़के ने वीडियो डाल दिया कि यहाँ डेढ़ सौ साल पुराना छोटा सा मंदिर है और वहां पे किसी ने डेसिक्रेशन कर दिया या किसी माइनॉरिटी और अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो फला फला क्रिश्चन या मुस्लिम लोगों ने आके मीट का पीस डाल दिया मंदिर को डेसिक्रेट करने तुरंत वो वीडियो वायरल हो जाता है और गॉड नोज कैसे क्या लेकिन इतने अवेयर सिटीजन हो चुके हैं कि वहाँ के एस को डी को सबको टैग कर देते हैं गवर्नमेंट उसका बॉमनिजेंस ले लेती है केस हो जाता है तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस में है ना मैं इसमें सोशल मीडिया को बहुत अधिक इसका रोल देखता हूँ कहाँ कहाँ की गांव कीड़े की स्टोरी कितनी स्टोरीज़ मेरे सिटी की मुझे नहीं पता होती है लेकिन मैं ट्विटर पे देख लेता हूँ स्टोरीज और वहाँ बहुत अच्छे से स्टोरी आ जाती है और बहुत सारी स्टोरीज है जो सोशल मीडिया से ही ब्रेक हुई है सोशल मीडिया का फोर्थ पिलर अगर मैं मानू तो मैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को मानता हूँ नॉट द मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि टू टेल यू हार्श रियलिटी ट्विटर पर स्टोरी ब्रेक होती है व्हाट्सएप पे अगर कुछ चीजें आती है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रही है आज के दिन राइट आई थिंक ये पॉइंट आपको मुझे बहुत सही लगा कि एक्चुअली बहुत हो की बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक चीज मुझे आपसे जाननी है मोदी जी अगर पार्लियामेंट में थर्टी थ्री परसेंट रेजर्वेशन देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का आ जाता है लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कुछ चीजें फ्री में बांटते हैं तो उसे फ्री और फ्री वाली पॉलिटिक्स का आ जाता है ऐसा क्यों है अगर आप देखेंगे तो देश में जो गरीब तबका था उनको पानी देना गैस देना उनको शौचालय देना मतलब बेसिक चीज जो बड़ी बेसिक होती है वो मोदी जी ने देने का प्रयास किया और दिया कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी देना गांव-गांव तक अब इसी श्रेणी में अगर आप आगे आते हैं तो वेमेन लेड रिजर्वेशन जो ये है इसको विमेन लेड एम्पावरमेंट के रूप में देखा जा रहा है देखिए मैं अगर चाहता हूँ कि अदिति है और अदिति अच्छा काम करी उसको सपोर्ट करूँ तो हो सकता है कि मेरा कोई बायस हो सकता है बायस एज इन कि ये कमज़ोर है इसको मदद करो तो हम तो माताओं को महिलाओं को शक्ति मानते हैं कमज़ोर क्यों लेकिन हाँ ये है कि सोसाइटनी स्ट्रक्चर जो रहा है हमारा महिला के पीछे छूट गई तो यहाँ पर हम महिलाओं को भीख या रेवड़ी नहीं दी, दी, दी जा रही हमारे देश ने जो कानून लाए हैं वो ये किया है कि इनको वुमेन लेड एम्पावरमेंट आपको मदद मैं नहीं करूँगा बस आई विल इंश्योर कि आप उस जगह बैठे जाके और जब आप उस जगह बैठोगे आपको किसी की मदद नहीं चाहिए होगी आप हमारी मदद करेंगे समाज को आप आगे लेके जाएंगे हैविंग सेट ये बात एक हो गई कोरोना के बाद मोदी जी और सरकार ने काफ़ी जगह ये चीज़ को पुश किया है पेडल किया है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये रेवड़ी नहीं है ये फ्री नहीं है आप एक बात देखिए कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है कोरोना के बाद इकोनॉमी में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है हम जो एक्सपोर्ट कम करते थे वो एक्सपोर्ट बढ़ गया और इम्पोर्ट जो हम बहुत कर रहे थे वो थोड़ा कम हुआ तो इकोनॉमी में एक पैराडाइम चेंज आया है जो गरीब गुर्बत में जीता बिलो पॉवर्टी लाइन या अब पॉवर्टी नाइन वन और बिलो पॉवर्टी नाइन ये दो कैटेगरी के लोग हैं तो इन लोगों को खाने की तकलीफ थी किल्लत थी तब से लेके आज तक ढाई तीन सालों से सरकार अस्सी करोड़ लोगों को राशन दे रही है क्योंकि इनको उस लाइन से ऊपर लेके आना है जो नई डलती इकोनॉमी है उसके साथ इनको ढालना है तो ये इनको एम्पावरमेंट करने का तरीका है नजरिया है सोच है इसको मैं फ्री भी नहीं देखता लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी जब दिल्ली के सी एम ये बोलते हैं कि मैं लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा नो कंडीशन सप्लाई मैं लोगों को महिलाओं को फ्री बस दूंगा ये कब दिया उन्होंने चुनाव के पहले कोरोना में कौन सा चुनाव था 2020 में वो जरूरत थी मजबूरी थी देश की रिक्वायरमेंट थी ये चुनाव जब आते हैं ये फ्री बिजली फ्री पानी फ्री ये करते हैं सोशल मीडिया में यही वीडियोज़ है कि फ्री पानी के नाम में आठ दिन में पानी आ रहा है वो पानी गंदा गटर का आ रहा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर जब पंजाब में सरकार बनी दो सौ यूनिट तो वैसे ही फ्री आ रही थी कांग्रेस जब कांग्रेस में कैप्टन साहब था तब दो सौ यूनिट फ्री थी इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया भोगाल मचा दिया फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी पचास यूनिट अपने जेब से दी ढाई सौ यूनिट फ्री कर दी और पांचवें दिन सरकार बनते ही बोल दिया कि भैया पचास हजार करोड़ का हमारे पास लॉस चल रहा है हमारे पास पैसा नहीं है मुख्यमंत्री साहब कटोर कटोरा लेकर सेंटर से भीख मांग रहे हैं कि हमको पचास हज़ार करोड़ दिया जाए तो ये इनकी फ्रीबी की राजनीति है जिसमें एम्पावरमेंट कहीं नहीं है एक कंप्लेसेंसी नेथार्जी एक्ट कि लोग फ्री का ले लेके आलसी बन जाए मेहनत ना करें और जब आप नो कंडीशंस वार्ड लगाते हो ना कि इसको भी फ्री उसको भी फ्री वो गलत है इकोनॉमी के लिए कंडीशंस देख के जैसे मैंने कहा अब पॉवर्टी नाइन वन या बिलो पॉवर्टी नाइन तो जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है आदमी मर्सिडीज में घूम रहा है तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हो ये डिफरेंस है मोदी जी जो कर रहे हैं उसको सोशलिज्म कहा जाएगा यदि मेरी माने तो और केजरीवाल जो कर रहे हैं उसको मैं रेवड़ी कल्चर मानता हूँ

हम हिंदू राष्ट्र थे हैं और रहेंगे बट अनफॉर्चुनेटली पोलिटिकली ये नहीं है पोलिटिकली हमें सेक्युलर ही देखा जाता है डू यू थिंक निकट भविष्य में या थोड़े आगे के भविष्य में भी हम पोलिटिकली भी डिक्लेय हिंदू राष्ट्र बनेंगे पोलिटिकली हम नहीं है हिंदू राष्ट्र बट मुझे लगता है कि जिस माइनॉरिटी को डरा के डर का व्यापार फैला के जो धंधा किया जा रहा है एक भ्रांति फैलाने का माइनोरिटी की सिक्योरिटी मेजोरिटी की सिक्योरिटी डिस्पाइट ऑफ कास्ट क्रीड कल्ट सेक्ट सभी का भला तभी होगा सर्वे भवन तो सुखी ना भारत में तब होगा जब भारत को पॉलिटिकली भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाकी आज आज तक की अगर आप भारत आज़ाद भारत का इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं पार्शली हम लोग शरीय से ही चल रहे हैं मैं आपको फटाफट कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इंडिया सेकुलर कहा जाता है तो क्यों शिर्डी साई बाबा से लेकिन अमरनाथ से लेकिन जितने बड़े हिंदू मंदिर है उनके ऊपर सरकार पंजा डाल के कब्जा डाल के बैठी है तमिलनाडु में अर्धनारेश्वर मंदिर है कहा जाता है कि साल का जो रेवेन्यू आता है मंदिर से एक करोड़ रुपए का आता है लेकिन वही की सरकार तमिलनाडु में कौन सी सरकार है रही है या तो ए आई के या डीएम के और जैसा हमने कहा कि उनका फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो कम्युनिस्ट रहेंगे कम्युनिस्ट सरकार जो विचारधारा मानती है रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ मैसेज जो मानती कि रिलीजन नहीं होना चाहिए वो हिंदू मंदिर पे ऐसा कब्जा डाल के बैठी है कम से कम छत्तीस हजार हिंदू मंदिर तमिलनाडु सरकार के कब्जे में है और मैं अर्धनारेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूँ जो साल का एक करोड़ रेवेन्यू लाता है इन गेस वॉट वहां की सरकार इतनी उदार है कि साल का एक लाख रुपया बजट देती है उस मंदिर को कि तुम डेली पूजा साल के एक लाख में डेली पूजा कर लो अब मैं समझ चाहता हूँ लेकिन ये तो वही बात है नंगा ना आएगा क्या निचेगा क्या एक करोड़ तुम तो इनसे कमा रहे हो लेकिन एक लाख का बजट दे रहे हो डेली पूजा करने के लिए ये हो गई एक बात दूसरा राइट टू एजुकेशन चूंकि आप ददीच है हिंदू हैं ब्राह्मण हैं आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो जबरदस्ती सरकार ने राइट टू एजुकेशन डाला है जिसके तहत भले ही आपके प्राइवेट स्कूल हो साल की दो लाख फीस हो लेकिन पच्चीस परसेंट सीट आपको राइट टू एजुकेशन में देनी पड़ेगी जिसमें मुस्लिम भी हो सकता है हिंदू भी हो सकता है कोई भी आ सकता है लेकिन चूंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ मेरे में राइट टू एजुकेशन नहीं लगेगा तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन हुआ डिफ्रेंसिएशन हुआ यह भेदभाव हो गया तीसरी बात ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा है कि तुम भले क्लेम करो कि साल से काशी में पूजा हो रही है लेकिन ज्ञान अच्छा ज्ञान वापी नेम ही एक पैराडॉक्स है कौन सी मस्जिद पूरे वर्ल्ड में ज्ञान व्यापी होगी ज्ञान का कुआ संस्कृत नेम है ज्ञान वापी लेकिन वो मस्जिद चूंकि बनी हुई है और नाइनटीन के पहले जो कैरेक्टर था आज भी वही कैरेक्टर रहेगा ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है इसका मतलब भले ही पंद्रह हजार साल पुराना मंदिर हो लेकिन वो मस्जिद ही माना जाएगा इस्लामिक ही माना जाएगा ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और चौथा हमने एक बात की थी जो वक्फ बोर्ड की तो वक्फ बोर्ड के तो किससे सर्वव्यापी है सर्व विदित है जम जाही रहे तो ये आंशिक रूप से आप कहीं देखेंगे तो हम शरीयत की तरह ही वो काम कर रहे थे ये पॉलिटिकल हिंदू राष्ट्र आपके लिए दूसरा 2004 में एक एट्रोसिटीज राइट एक्ट में एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ कांग्रेस की सरकार ऐसा कानून लेके आई थी कि आप हिंदू मैं मुस्लिम मैंने आपको मारा और हमारा झगड़ा चल रहा भाई चल रही है कोई भी राइटिंग हो बाई डिफॉल्ट चूंकि आप हिंदू हो तो ओनर साहब पे आएगा जेल में भला हो वाजपेयी और, वा, और कहीं भी झगड़ा हो मैं आपको चक्कू भी मार दू चूंकि वो जेल में आपको ही जाना है यह कानून लेके आई थी कांग्रेस और यह पास हो चुका था लोकसभा में राज्यसभा और सब में वाजपेयी जी लेट एनडीए ने बीजेपी ने विरोध किया तो रह गया

स्पीक द टर्म हिंदू या मैंने उसको कभी रिलीजन से नहीं जोड़ा हिंदू okay. एक जीवन पद्धति है, 1995 के के है. Mm. तो हिंदू हम एक, एक सिविला हम, जो आप जेरेगे सो वॉट आई बिलीव इस भारत का जो विचार है जो दर्शन है जो अध्यात्म है वो को एग्जिस्टेंस में मानता है right. और जो एब्राह्मिक स्कूल ऑफ थॉट है जो बाहर से आया वो कन्फ्लिक्ट मानता है आप ये देखेंगे हम लोग इतने चिल मोड में थे कि कोई आके बोले अरे भाई साहब आपके खेत में तो वो सुअर आ गया गाय आ गई सब खा गया खाने दो अपने पास बहुत है ये हमारा नेचर था हम सबका सोचते थे को एग्जिस्टेंस और वही अगर आप अरब देशों को देखो तो वो औरतों को देख के लूटपाट जो करते थे मैं बोल नहीं सकते इस पॉडकास्ट में जो आदमी देखे उसको मार देते थे आज भी दुबई के डेजर्ट्स में जाओगे तो वो ऊँट की मारी मरी हुई चमड़ी का पानी का बॉटल बना के लेते हैं तो जहाँ वो जानवरों को काट काट के खाते थे जहाँ यूरोप की बात करें तो यूरोप पूरा बर्फ में ढका रहता था कोई विकास नहीं था और हम लोग हमेशा से विकासशील थे हमारी विचार हमारा विचार जो था वो को का था हम साथ में रहते थे तो ये हमारा डी रहा है कोई पोलिटिकल क्षमा चाहता हूँ जो मैं मानता हूँ वो कह रहा हूँ खुले दिल से कोई पॉलिटिकल संविधान में हिंदू राष्ट्र वोट डालने से मेरा नेचर बदलने नहीं वाला और ना तो मेरी पहचान उस संविधान की मोहताज है मेरे बाद संविधान है संविधान के बाद मैं नहीं हूँ ये बस मैं कहना चाहूँगा आपको और दूसरी बात हम जिन विचारधाराओं की बात कर रहे हैं मैं फिर श्रेष्ठ जानूँगा वो विचारधारा है जो कन्फ्लिक्ट मानती थी खून खराबा आ ब्लड शहड लड़ाई झगड़ा कोई क्रोसेट बोलता है कोई जियाद बोलता है हमने तो गीता दी है सो हम विचार वाले लोग हैं विचारधारा वाले नहीं हैं और मैं इस

मैं कोई उनको खुश करने या बीजेपी को खुश करने नहीं बोल रहा मैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो लिखा था वो सारा फलूशन की तरफ जा रहा है एक यूसी चेकलिस्ट में था वो भी आ रहा है जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन कर दिया जब बात राम मंदिर की आती है तो मेरे विपक्ष के मित्र मेरे दोस्त हंसते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट टिकट बीजेपी ने क्या किया तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को अपना स्टैंड रखना होता है हलफनामे के माध्यम से जहां तुमने ये कहा था राम डॉट एग्जिस्ट वहां बीजेपी ने कहा कि हम मंदिर के पक्ष में हैं और जो आम आदमी पार्टी या जो अन्य सरकार कह रही थी कि आधा स्कूल बना दो आधा हॉस्पिटल बना दो अब वही सरकार सीनियर सिटीजन को फ्री ट्रिप दे रही अयोध्या की सो so, मोदी जी एज एट इज अ मैन ऑफ वर्ड्स ही इज रिलेंटलेस उनका घर परिवार जैसे वो कहते हैं एक करोड़ भारतीय उनका घर परिवार है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब आ जाते हैं तो उनका वो एक मिशन लेके इज अ मैन ऑन मिशन वो जो उन्होंने बोला वो करेंगे और जो नहीं बोला वो भी वो करेंगे सो यस आई सी बीजेपी कमिंग बैक टू पावर इन 2024 और राहुल गांधी जी को मैं आपने नहीं पूछा लेकिन जस्ट माई टू सेंट्स मैं बहुत सीरियस नहीं लेता क्योंकि ही नीड्स टू ग्रो अप 55 की एज में 53 की एज में तुम्हारी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस इज बिजमल इट इज़ इक्वल टू योर एज विच इज एक्चुअली 53 तो ये अटेंडेंस से आप देश बदलोगे ऐसा नहीं हो सकता पार्लियामेंट में आपको मौका मिला था गरीबी पे बेरोजगारी पे मुद्दों पे बात करो आपको जो मुद्दा लगता है उस पर बात करते हैं लेकिन आप वहां पे ऐसा लग रहा था कि साइकोडेलिक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं yeah. भारत जोड़ो यात्रा पे था मैंने गरीब देखा मैंने ये देखा तो ये कोई पॉडकास्ट वो कोई पॉडकास्ट नहीं था वो पार्लियामेंट था और वो आपका पॉडकास्ट लेके शुरू हो गए तो विद दिस लेवल ऑफ मेचोरिटी आई डो नॉट सी कांग्रेस कमिंग टू पावर इन इन द कमिंग टेन ईयर सो टू स्पीक ग्रेट थैंक यू यू सो मच थैंक अलग टाइप का पॉडकास्ट है ये क्योंकि ए इतना strongly इतना नॉलेज एंड उस चीज को आगे पुट अप करना ये दोनों ही अभी तक हमारे पॉडकास्ट में नहीं हुए हैं सो यू रियली हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन एंटायर नेशन पॉलिटिक्स भी हो चाहे हिंदू uh, की बात कर लें हम चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम सूरत थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग एक्सेंग वापस आते हैं मोदी जी तो फिर नॉलेज की बात से तो मैं अगेन वैमेंट डिसएग्रीमेंट दूंगा आई एम अ लर्नर नॉलेज तो मुझे पता नहीं कितनी है कि नहीं है लेकिन यस आई एम वेरी वोसीफरस आई एम वेरी वेमेंट व्हेन इट कम्स टू ओपिनियनिंग ओपिनटिंग व्हाई न्यूज़ तो वो मैं मानता हूं बाकी नॉलेज की बात तो आई म स्पीकर आई एम अ लर्नर और एंड सच्चा सनातन सीकर होता है राइट एब्सोल्युटली ट्रू थैंक यू सो मच दैट वाज युवराज पोकर्णा इन कन्वर्सेशन विद अस ऑन मूड्स ऑफ भारत अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पता चल जाए थैंक यू सो मच नमस्ते